तो हम मार्केटिंग वालों को या फिर हम बिजनेस वालों को जितना आबादी बढ़े उतना खुशी होना चाहिए, क्योंकि जितना आबादी बढ़े उतना आपके लिए मौका बढ़ता जाता है। अब हमें उन आबादी में जो लोग हैं उन लोगों को अपने विजन और मिशन, मतलब हम जो देखते हैं उस रास्ते में उनको उस लाइन में खड़ा करना और जो हम चाहते हैं वैसा कराना, अगर हम कर दें तो हम लीडर हैं। लीडर वो होता है जिसे देखकर उसके पीछे लोग चलना शुरू कर दें। जो दिया खुद नहीं जल सकता वो दूसरों को नहीं जला सकता। आप एक मोमबत्ती या दिया से ही दूसरे मोमबत्ती को जला सकते हैं। तो बिजनेस में सबसे जरूरी ये है कि बिजनेस के प्रोडक्ट को सबसे पहले आप जाने, जो प्रोडक्ट बना रहा है उसे जाने और हेतु जाने कि आप वो बिजनेस कर क्यों रहे हैं। हम सब जानते हैं कि जितना भोजन हम आजकल खाते हैं वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पहले हमारी माँ हर तरह का पंच भोज बना के परोसा करती थी, आज ये संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम काम के लिए बिजी हो जाते हैं और दिन भर अपने व्यवसाय को सही करने के लिए, अपने बॉस को सेटिस्फाई करने के लिए, आजीविका को कमाने के लिए लगे पड़ते हैं। और होता यह है कि आजीविका तो कमाते हैं लेकिन जीने का हेतु वो खत्म हो जाता है। जीने का हेतु क्या है? हैप्पी हेल्दी एंड होली लाइफ। हैप्पी रहना, खुश रहना, होली रहना, शुद्ध रहना, एंड हैप्पी और हेल्दी रहना मतलब स्वस्थ रहना। अगर ये तीन चीज सही हो जाए जीवन में तो आप जी रहे हैं, वरना आप मर मर के जी रहे हैं। हैप्पी रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास शिक्षा हो। कैसा शिक्षा? मान लीजिए कि आपको शिक्षा दिया गया कुंफू का, तो क्या आप खुश हो जाएंगे? नहीं। आपका शिक्षा ऐसा होना चाहिए जो आपके जीवन को सुखद बनाए। इस उम्र में ना हमें एबीसीडी चाहिए ना आ रखा चाहिए, हमें दुनियादारी का ज्ञान चाहिए जो एलेक्स एजुकेट करती है। हम सब यहाँ पर जो भी हैं, जैसा कि मैंने आपके स्कीम के बारे में पता किया, रिव्यू लिया, आप सभी जो हैं मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं बहुत दिनों से और एक पर्टिकुलर सिस्टम को आपने एक लेवल तक लेके आए हैं, और कहीं ना कहीं आप सभी को मन में थोड़ा संतोष जरूर रहा है। आप जानते हैं कि कोई भी प्रणाली धीरे 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 उसका विकास होता है। आज जिस प्रणाली में हम हैं वो और भी अच्छा विकसित है। क्यों? इसमें ट्रेंड कोर स्टाफ है, जो भी कोर स्टाफ है, जो भी हम काम करने वाले एक साथ कॉमरेड्स हैं, सभी ट्रेंड है। हमने देखा है जीतते हुए खुद को, हमने देखा है जीतते हुए दूसरों को, तो इसमें नया कुछ भी नहीं है। बस नया है और भी बेहतरीन प्रोडक्ट, नया है और भी बेहतरीन पे आउट, नया है और भी ऊंचा ओहदा। पहले ये समझने में समय चला गया कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग से फायदा होगा। समझते समझते हम डाउनलाइन में कुएं के अंत तक पहुंच गए, और शुद्ध पानी किसे मिला? ऊपर में से पानी पीने वालों को। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और नीचे वाले में किसको क्या मिला? मेढक, असीमितता, ऑक्सीजन की कमी, पे आउट कम, क्योंकि आप नीचे हैं, खूब काम कर रहे हैं, नीचे के कीड़े को खा रहे हैं मेढक बनकर, ताकि ऊपर कीड़े ना आ जाए, और ऊपर में शुद्ध पानी जो सबसे पहले काम किया उनको मिला। यही है नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा और सबसे बड़ा नुकसान। तो नेटवर्क मार्केटिंग लोग कहते हैं कि एक दो साल चलता है फिर पता नहीं कहां जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि सिस्टम इवॉल्व कर जाता है। आप देखेंगे पहले जमाने में हमारे शरीर में बाल हुआ करते थे, पूछ हुआ करता था, फिर हम इवॉल्व हुए और हम मानव बन गए। उसी तरह से सिस्टम इवॉल्व होता है, और जो सिस्टम के साथ बदलता है उसका नाम बरकरार रह जाता है, लेकिन जो सिस्टम के साथ नहीं बदलता है उसको टाइम थपेड़ा मार के बदल देती है। वही बदलाव है एलेक्स। एलेक्स विश्वास करती है कि हर कोई एक ही ओहदे पे हो, आठ लाइंस हो, आठ लाइन काफी होता है, FRINDS। अगर आप अपने दोस्तों को खोजें किसको किसको मैं डीएसएल कराऊं,
किसको किसको मैं डायरेक्ट सेल्स में लेके जाऊं, तो आपको आठ बंदे अनायास ही मिलेंगे। बस अपने आंखों को आठ दिशाओं में घुमाने की जरूरत है। आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, कुछ इंटरेस्टेड लोग, मैंने क्या कहा, फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इंटरेस्टेड लोग, ई से एनिमीज तक। एनिमीज कौन, हम बिजनेस वालों के लिए कोई एनिमी नहीं होता, लेकिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ चिपकाता है। जरा हम भी उन्हें चिपकाए। हम जब जाते हैं दवाई की दुकान में तो विटामिन खाने से ठीक हो जाएगा कुछ भी, दो चार दवाई और चिपका देते हैं। क्यों ना हमारे प्रोडक्ट्स उनके उस दीवार पे रहे और उसका प्रोडक्ट वैल्यू का लॉयल्टी हमें मिलता रहे। करना क्या है, जो वो कह रहे थे उसी बात का उसी बात को हम मिरर से उनको दिखा दें। भाई आईना देख लो, हमारे पास एक प्रोडक्ट है, आप इतने सारे प्रोडक्ट्स सेल करते हो, जरा 25,000 रुपीज का डिजिटल शॉपिंग ले लो। अगर डिजिटल शॉपिंग नहीं तो एटलीस्ट हमारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर दो अपने काउंटर पे। तो कई सारे ऐसे बिजनेस स्ट्रेटेजीज हैं जो हमारा जो एजुकेशनल जर्नी है, उस एजुकेशन का जो यात्रा है, जो शिक्षा का यात्रा है, उसमें हमें मिलते जाएंगे और रास्ता क्लियर होता जाएगा। ज्यादातर एमएलएम में ऐसे लोग हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जम जाते हैं, जिनका उद्देश्य साफ नहीं होता। इससे क्या होता है, मनोबल नीचे आ जाता है। यहाँ पे हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो रोटी कपड़ा मकान के लिए बिजनेस नहीं करते हैं, लेकिन बिजनेस करना उनका धर्म और कर्म हो चुका है। पैसा मनी सुकर्म करने का बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट का मतलब बता दूं मैं, जैसे अगर साबुन की फैक्ट्री होगी तो आप देखना साथ में ग्लिसरीन की भी फैक्ट्री होगी, क्योंकि साबुन बनाते हैं तो ग्लिसरीन अपने आप बनता जाता है। जिसका कोयले का खान होगा उसका थर्मल पावर प्लांट जरूर होगा, क्योंकि उतना एक्स्ट्रा कोयला करना क्या, भाई जला के उससे बिजली पैदा कर लो और बिजली बेचो। तो जो मेहनत करेगा उसको बाई प्रोडक्ट कहते हैं। अब बाई प्रोडक्ट को भी यूज करना, तो अगर हम अच्छा काम करें तो अच्छे काम का जो रिवार्ड है वो पैसा ही होता है। अब हम में से अगर कोई साधु हो या फिर हम में से जो कोई नया जुड़ने वाला हो साधु हो, अगर भाई पैसे का गणना क्या है, पैसा ये बताता है कि आपने कितना अच्छा काम किया, ये करेंसी है। जैसे स्कूल में बच्चों का नंबर कॉपी में बताया जाता है कि इतना नंबर है तो अच्छा पढ़ा, वैसे ही बैंक बैलेंस में आपके कितने नंबर आए उससे पता चलता है कि आपने दुनियादारी में कितनी बुद्धि लगाई, कितना लीड।